हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आपको स्वागत है। साला क्या क्या मैसेज अचानक आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आपको स्वागत है। दोस्तों, अपकमिंग मूवी कोबरा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। इसमें हमको चियान विक्रम देखने मिलेंगे टाइटल रोल में। एंड इसका बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, पॉपुलर हुआ था, बहुत सारा टॉक्स था कि इसमें बहुत सारा मल्टीपल रोल्स कर रहे हैं चियान विक्रम। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका टीजर जब आया था मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, स्वेच्छा रिएक्शन दी थी। उसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ लाइक बताया होगा, उसने रिवील नहीं किए होंगे। और लास्ट हमने जो चियान विक्रम जी का मूवी पे रिएक्शन दिया था वो महान था। विक्रम एंड ध्रुव विक्रम, उनका मूवी था, बहुत मजा आया था दोस्तों देखने के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पेज पर जाके वो मूवी का हर सीन का रिएक्शन आप देखेंगे, आपको अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों, इसमें एक और एक्साइटमेंट है कि इसका म्यूजिक ए आर रहमान सर ने दिया है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट कपल ऑफ सॉन्ग तो जबरदस्त ब्लॉकबस्टर होने ही चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कोबरा जो टाइटल है क्या है। इसका मैंने बहुत पहले पोस्टर दिखा था, उसमें बहुत सारा अजीब अजीब वो लाइक डायग्राम कुछ इमेजेस था, कोबरा का भी था, मैंने स्नेक का था, बहुत अजीब था। क्यूरियोसिटी बड़ा है क्या इसमें। तो दोस्तों देखते हैं, हमेशा विक्रम जी कुछ डिफरेंट ही मूवी लेके आते हैं, कभी उनका मूवी रिपीट नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब जॉनर का मूवी करते हैं, अलग ही दिखते हैं पूरा। देखते हैं इसमें हमको क्या सरप्राइज देंगे। सूर्य के साथ पीता मगम वो था अल्टीमेट यार, उसका तो मैंने बात है क्लासिक है, वो तो जबरदस्त दोस्तों मजा आ गया था। वो तो एक्टिंग उनका विक्रम सूर्य दोनों का एक्टिंग जबरदस्त था, और विक्रम जी तो खेल गए, मजा आ गया। तो दोस्तों आइए, देरी नहीं करते हैं, कोबरा का जो ऑफिशियल ट्रेलर है ये देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। पहले ही सुन इरफान पता ब्यूटीफुल सुन यार, स्नो में रेड कलर एक दो भाई तीन थ्री फोर फाइव सिक्स वही है। என்ன பிடிச்சிருக்கு पुलिस है ये नहीं, क्या समझ में आया उसका तुम्हें। हाँ तो लोग पता नहीं देता है। हाँ हाँ, मुझे तो रशिया यूक्रेन यूरोप वहाँ पर दिखने का देखना अलग था। भाई क्या दिख रहा है वो लास्ट उनका देखे तो वो याद है, आनिया नहीं याद है उनका। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं या किससे लड़ रहे हैं, जीनियस बोला जा रहा है उनको, ही कैन प्ले विद नंबर्स उनका। एंड सबटाइटल नहीं था तो ठीक से समझ नहीं आ रहा। हां सबटाइटल, हां करेक्ट है, बट बहुत इतना सारा डायलॉग्स भी था। करेक्ट, मैंने ऐसा सडनली देख के ना, मुझे वो एक ऐसी वो लेजेंड कमल हसन जी का जो मूवी था एक दस अवतारम, वैसे है ना उनका भी 10 कैरेक्टर था वैसा रहा। तो ये शायद भी वैसे कुछ है क्या, उस टाइप का कुछ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर अलग अलग लोकेशंस में नजर आ रहे हैं, उनको कोई फाइंड आउट भी करने ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग
रूप ले रहे रूप ले रहे एक जगह लास्ट लास्ट में तो हेलुसिनेशन का बात हो रहा है कि वो हेलुसिनेट कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स, क्या पता नहीं, पता नहीं क्या है, वही वही माने कुछ भी ठीक से पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो है कौन, उनका वो कैरेक्टर जो है वो है क्या, कि रियल है या उनका इमेजिनेशन है, रियल में ऐसा हो रहा है, कुछ चल तो रहा है, कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वो अच्छा लगा इमरान इसको देखे क्या इरफान पठान को उनको एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो एक सरप्राइज एलिमेंट है, उनका डायलॉग नहीं था लेकिन देखना पड़ेगा क्या है उनका, और वो विलन के बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, वो तो खतरनाक ब्रूटल था, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं दोस्तों, लाइक वेरी एक्साइटेड फिर से, लग रहा हमको चीयर विक्रम जी नया कुछ एक देने वाले हैं हमको, हमको एक कंटेंट मिलने वाला है, मजा आने वाला है देखने के लिए, एंड ये बिग स्क्रीन के लिए बहुत सारा सीन ऐसा था कि स्क्रीन पे जब देखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, ए आर रहमान सर का म्यूजिक है, शायद म्यूजिक बहुत अच्छा हो, कुछ कुछ हमको देखने मिले, ईगरली वेट रहेगा दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो पक्के लगेगा, टेक केयर।